आधुनिक समाज में रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। जिस समाज में हर घर में छोटे बच्चे खुद को दादा दादी के पास सबसे महफूज समझते हों और वहीं ऐसी घटना हो जाए तो रिश्ता तो कलंकित होगा ही। ऐसा ही मामला जगाधरी में सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक कलयुगी दादा ने अपने ही पोते को अपनी हवस का शिकार बना डाला और जब हकीकत सामने आई तो सभी हक्के बक्के रह गए। जानकारी के अनुसार मासूम के माता पिता नौकरी करते हैं, दादा दादी उनके घर रहने आए थे और बच्चा उन्हीं के पास दिन भर रहता था। दादा दादी जब गांव गए तो बच्चे को नहलाते हुए परिवार ने उसके शरीर पर सूजन देखी और बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि उसके दादा ने उसके साथ एक बार नहीं कई बार गलत काम किया है, जिसके बाद परिवार ने इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को दी। टीम ने बच्चे की काउंसलिंग कर CWC कमेटी के सामने बयान करवाए हैं। चाइल्डलाइन की कोऑर्डिनेटर शेफाली ने बताया कि कल हमारे पास चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर एक कंप्लेंट आई और उसमें बताया गया कि बच्चा 7 साल का है और उसके साथ उसके ही दादा ने दुष्कर्म किया है। हमारी टीम बच्चे के घर पहुंची और बच्चे की काउंसलिंग शुरू कर दी। बच्चा बहुत घबराया हुआ था। चाइल्डलाइन की टीम ने जब बच्चे से बात की तो बच्चे ने बताया कि उसके दादा डरा कर उसके साथ दुष्कर्म करते थे। कल हमारे पास कंप्लेन आई थी 10/9/8 पर चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर पर और इसमें हमें बताया गया कि जो बच्चा है 7 साल का है और उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज हुआ है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ही किया। इसके बारे में उसने यही बताया। फिर हम गए मिलने उनकी फैमिली से, उसके पेरेंट्स से मिले, बच्चे से भी मिले। बच्चे की हमने काउंसलिंग की। बच्चा बहुत घबराया हुआ था, हमने उसे समझाया। फिर उसने हमें बताया सब कुछ कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वही उसके साथ गलत काम करते थे और उसे डराते भी थे कि मदर को या फादर को किसी को नहीं बताना है। और फिर हमने उसे समझाया, गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया उसे। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, आगे से कोई ऐसे मुझे टच करेगा तो मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा। फिर हमने उसके पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले और बच्चा इतना छोटा है लेकिन वो सब कुछ उन्हें बता रहा है कि क्या उसके साथ हुआ है और काफ़ी टाइम से उसके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था घर में ही उसके। तो हम यही बताना चाहते हैं कि पेरेंट्स को अपने घर में भी बच्चों को बताना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर में रह रहे हैं कोविड की वजह से स्कूल वगैरह तो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन यह है कि घर में भी अगर बच्चे सेफ नहीं हैं तो फिर कहाँ होंगे। बच्चे की जो माँ है वो अपनी जॉब पर जाती थी क्योंकि उसे पता होता था कि घर में हैं दादा दादी दोनों संभालेंगे बच्चे को, और जो फादर हैं वो उसके जॉब पे होते थे, वो आउट ऑफ टाउन जॉब करते हैं, ये रीज़न है। बाकी शाम को जब माँ आ भी जाती थी घर पे तो उसके दादा भी उसको मिलने नहीं देते थे बच्चे से ज़्यादा, मतलब ऐसे उसे घुमाने ले गए, पार्क में ले गए, मतलब उसे दूर दूर रखते थे ताकि वो बता ना पाए बच्चा अपने बारे में जो उसके साथ हो रहा है। पर वैसे उसे दिखाते ऐसे थे कि बहुत खुश रख रहे हैं, बच्चे को चीज़ें भी दिलवाते थे खाने पीने की भी, लेकिन रियलिटी में जो है बहुत ज़्यादा उसका शोषण हो रहा था बच्चे का। हाँ, हमने एक तो CWC को केस रेफर कर दिया है और आगे की कार्रवाई CWC देख रही है। वहीं इस मामले में जगाधरी थाना शहर पुलिस ने 6 पॉस्को एक्ट के तहत कलयुगी दादा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने 6 पॉस्को एक्ट में FIR दर्ज कर लिए और मामले की तफ्तीश जारी है। क्या एलिगेशन यही है कि उसके दादाजी अपने ससुर के ऊपर उसके एलिगेशन है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।